मजा आया। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपके लिए मैं एक और नया वीडियो आपको लेकर आ चुका हूं। तो सिंपली दोस्तों, आप जैसा आप स्टार्टिंग में आप देख चुके हैं कि मैंने किस तरीके का वीडियो बनाया है, अगर आप भी उसी तरीके का वीडियो बनाना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों करना क्या होगा, आपको यहाँ एक लाल कलर सब्सक्राइब का आपको एक बटन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, बाजू वाले बेल आइकन को आपको इस पर सिलेक्ट करना है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आल पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आल पर सिलेक्ट कर लेना है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ वीडियो को एक लाइक भी कर देना है और यहाँ पे एक कमेंट भी कर देना है। यहाँ जैसे हमारा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे ओपन करेंगे वीडियो बनाने के लिए, दोस्तों आपको प्रोजेक्ट जितना भी है यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ मटेरियल नाम का एक लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको किसी इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जितना भी मटेरियल हमारा है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या होगा, काइनमास्टर आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो काइनमास्टर है दोस्तों ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप दोस्तों ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे आपको दोस्तों एक को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ 4.5 को आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है, 4.5 को आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इंपोर्ट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दोस्तों ले लेगा यहाँ काइनमास्टर। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आ चुका है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों हाथों से यहाँ से ऐसे इस तरीके से कुछ आपको बड़ा कर देना है, क्लिक करके यहाँ पे आपको खींचना है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको फोटो एक एक करके ले लेना है। इसमें सारा कुछ दोस्तों सारा इफेक्ट मैंने लगाया हुआ है, तो आपको इफेक्ट में कुछ चेंजिंग नहीं करना है। तो इसमें यहाँ पे सारा कुछ इफेक्ट लगा हुआ है, तो इफेक्ट में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको इसी तरीके से आपको सारे फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, जिस तरीके से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी सारे फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं सारे फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तब मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारे फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करना होगा। मैंने इफेक्ट यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना उस इफेक्ट को भी। तो चलिए उसमें इफेक्ट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो जैसे मेरा ये इफेक्ट है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पे आपको इसे क्रॉप कर देना है। इसे क्रॉप करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली इसे बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन होगा, ब्लेंडिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे इस के जो म्यूजिक है यहाँ पे म्यूट कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे किस तरीके का वीडियो।
तो हमारा कुछ इस तरीके का वीडियो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप भी इसी तरीके का वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड करना मैंने बताना भूल गया था। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रोजी लोशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेना। तो यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमारा वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन को आपको ज़रूर ऑल पर सिलेक्ट करना है। और आपको एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना है कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों मैं मेहनत बहुत करता हूँ, आप प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।